सर। अस्सलाम वालेकुम दादा साहब, सबका बहुत ज्यादा वेलकम हमारे चैनल पर। एक बार फिर से भाई आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि टीम इंडिया आ चुकी है वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उनका बहुत अच्छे किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया, वही आज वीडियो देखने वाले हैं। हाँ जी भाई, ऐसी वेलकम कर देते लेना था, तो जब वो पाकिस्तान आएंगे तब तो हम हार लेके उनके लिए जाएंगे एयरपोर्ट पे, खासतौर नहीं वाघा बॉर्डर पे, असि अपड़ जाएंगे उन्हें वेलकम कराने। लेकिन भाई फिलहाल वो इंडिया में लैंड हो चुके हैं, ऐसा करते हैं वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं आज की वीडियो। जिसके बाद टीम इंडिया भारत पहुंचकर अपनी फतह का जश्न मनाती है। टीम इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। आईपीएल ने भारत की क्रिकेट को इस जगह पर आने में मदद फराहम की। कोई शक नहीं है कि भारत की क्रिकेट में आसूदगी आई, माली तौर पर खिलाड़ी मुस्तहकम हुए, और यही वजह है कि दुनिया की किसी लीग में हमने भारतीय खिलाड़ियों को खेलता हुआ नहीं देखा। ग्रैंड वेलकम की बात करते हैं ना यार, कि जो उनका ग्रैंड वेलकम होना है, चैंपियंस, उनके चैंपियंस उनकी आंखों के सामने होंगे। मेरे पैर ने जमीन उत्ते लग गए, तो वो वाला हिसाब किया हुआ इंडिया ने, सो हैप्पी। और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है। कप के दौरान ये खबर चल रही थी कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स यूएसए में जाके $25 ले, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के ऊपर अगर आपकी पिक्चर लग रही है ना, तो यू आर अ थिंग, आपकी बहुत बड़ी इज्जत की जा रही है दुबई के अंदर इंटरनेशनली। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला इस बार, अफगानिस्तान में भी सेलिब्रेशन है, सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना ये दिल में हसद रखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम जिस दिन इंडिया पहुंचेगी, इनका शेड्यूल बहुत टाइट है, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत बड़े लोगों को मिलना है। काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत कर भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश पहुंच चुकी है। टीम इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंची। टीम इंडिया के लिए एक स्पेशल बस का अरेंजमेंट किया गया। भारतीय टीम की एक झलक देखने के लिए कई फैंस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे। टीम इंडिया जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो फैंस भी इंडिया इंडिया भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को ट्रॉफी के साथ देखा जा सकता है। वहीं रोहित शर्मा ट्रॉफी लहराते हुए भी नजर आए। बारबाडोस में T20 कप फाइनल 2024 में साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम ने 29 जून को 7 रनों से हराया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम की फ्लाइट करीब सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंची। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंची तो फैंस का जोश देखने लायक था। टीम इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, MS धोनी ने उनको मुबारकबाद दी, BCCI ने 125 करोड़ इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो 400 करोड़ के पार की बात है, तो क्या कहेंगे, कितना दिलकश नज़ारे है। और इंडियन लोग आज 3 दिन हो गया वर्ल्ड कप खत्म हुए को, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो यह है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है जितनी हमें अगर पाकिस्तान जीतता तो होती। तो कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, आई एम स्टिल पिंचिंग माय सेल्फ कि यार ये वाकई में हो गया है। रोहित शर्मा ने जितने अरसे से मेहनत की, विराट कोहली ने जितने अरसे से मेहनत की, हार्दिक पांड्या के आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि भाई वी हैव फाइनली अकम्पलिश्ड, वी हैव फाइनली डन इट, वी हैव फाइनली वॉन इट। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक टाइम था कि ODI के वर्ल्ड कप के ऊपर इन्होंने पैर रखे थे और यही वो वर्ल्ड कप है T20 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता है। और ये लोग ऐसे हैं जैसे ये लोग जमीन पर पैर नहीं रखते, ये डायरेक्ट आसमान के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। तो वो कहते हैं ना मेरे पैर ने जमीन उत्ते लग गए, तो वो वाला हिसाब किया हुआ इंडिया ने, इंडिया सो हैप्पी।
और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है और आवाम की खुशी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट में बड़ी सख्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जाहिर है इतने सालों के बाद जो है उनके यहाँ एक खुशी आई है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं गम भरा भी रहा है, क्योंकि तीन वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर जो है अब इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। उनके फैन बहुत ज्यादा उदास है कि एक खुशी के साथ एक गम भी देखे। लेकिन ये है कि पहली चीज ये है कि इतना दुख नहीं है, किसी को भी इतना दुख नहीं है, मतलब लोग बहुत सैड है, बहुत ज्यादा सैड है। एज विराट कोहली फैन, एज रोहित शर्मा फैन, एज रविंद्र जडेजा फैन, मैं खुद बहुत सैड हूँ, बट स्टिल दे हैव अ स्प्लेंडेड एंड। वो कहते हैं ना, इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग, एंड इफ इट इज़ नॉट हैप्पी इट इज़ नॉट इवन एन एंड। तो ये एक बहुत फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, और उसमें मैं आपको बताती हूँ ना कि देखे कितनी कमाल की एंडिंग की है उन्होंने। वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ना बोली और अपने आप को जो है उस साइड से अलग कर लिया। देखिए यही चीज़ होती है एक बड़े प्लेयर, एक बड़े इंसान और एक बड़े कहते हैं ज़मीर की बात होती है। अब देखिए विराट कोहली और भी खेल सकते थे, वो 2026 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे, उनकी फिटनेस इस चीज़ की कम्प्लीटली एविडेंट है कि वो खेल सकते हैं और वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि बहुत लोगों से अच्छा भी खेल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छे टाइम पे सही टाइम पे कट लेना ही बेहतर है, ठीक है। नए लोगों को ये मान शॉक किया जा रहा है। उन्होंने खुद ये कहा कि आई एम स्पेयरिंग द रूम फॉर द यंगस्टर्स, ताकि वो आए और वो आकर अपना जलवा दिखाएं। आप ना बैकग्राउंड देख लो, देख ले, दिस शोज हाउ हैप्पी आवर हार्ट इज, एंड आई एम गोना से दैट ये वाला नहीं, ये वाला हम विराट कोहली को देना चाहेंगे और ये वाला रोहित शर्मा क्यों नहीं, इतना छोटा नहीं, उसके लिए वो पीछे है ना, जो पीछे है वो चले। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इंडिया को ये ट्रॉफी जीते हुए 3 से 4 दिन का अरसा गुजर गया है, लेकिन जो एक सेलिब्रेशन का समा है, जो एक सेलिब्रेशन का मैं कह रही हूँ वक्त है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, कनाडा की, यूके की, वहाँ पर इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ साथ हम बात करें तो बुर्ज खलीफा पर जो है इंडियन टीम की तस्वीर जो है वो भी शाया की गई, क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए सबसे पहले तो जी इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन रहना, ठीक है। हर बंदा उनका एफर्ट करके जो है परफॉर्म कर रहा है, बेशक उनकी बॉलिंग है, फील्डिंग है, बैटिंग है। अब लास्ट में आपने वो कैच देखा था सूर्य कुमार यादव का, यार ब्रिलियंट कैच, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के ऊपर अगर आपकी पिक्चर लग रही है ना, तो यू आर अ थिंग, आपकी बहुत बड़ी इज्जत की जा रही है दुबई के अंदर इंटरनेशनली। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला इस बार, अफगानिस्तान में भी सेलिब्रेशन है। सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना ये दिल में हसद रखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। देखो हम इंडिया को एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सपोर्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की यारी दोस्ती हम चाहते हैं यार कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए आगे। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी तो चले वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, इंडिया यहाँ पर आगे खेले, हम यकीन माने मैं अपना काम कारोबार छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करने जाऊँगा, क्योंकि हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है। एट द एंड हमें क्या चाहिए कि यार हम अगर हम विराट कोहली को सपोर्ट करें तो विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है, अगर हम रोहित को सपोर्ट कर रहे हैं तो रोहित परफॉर्म कर रहा है, हमें फिजिकली अच्छा लग रहा है, मेंटली वैसे देखें ना बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर आप जैसे जब पाकिस्तानी एक पॉजिटिव व्यू देते हैं। अभी मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जेशा जो थे जब भी इंडिया का मैच होता था ग्राउंड के अंदर पाए गए हैं, वो मैच फिक्स करने जाते थे, एक जो है प्लान के तहत इंडिया को ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवाई गई। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल र्यूमर्स हैं, देखिए अगर मैं आप मुझे जेशा समझ लें, मैं पाकिस्तान के हर मैच में जाऊँ शौक के तौर पे, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, मुझे क्रिकेट के अंदर एंट्री जितनी मैं हो सके मैं लाजमी उस लाइन में घुसूँ। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई पाकिस्तानी टीम का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पे, वाकई में वो डिजर्व करते थे, और पाकिस्तानी टीम का अंडों के साथ स्वागत किया गया है, और भाई इंडियन टीम भाई जूतों के साथ पाकिस्तानी टीम डिजर्व यही करती थी, लेकिन इंडियन टीम का लोगों ने फूलों के साथ अपने हाथ से मालाएं बना के उनके लिए इतना वेलकम, विराट रोहित ऐसे इतना चीख रहे थे लोग कि लोग खुशी से जो है ना झूम रहे हैं समाए, सच्ची में लोग अपने कारोबार, हालांकि आज थर्सडे है लेकिन लोग अपना कारोबार छोड़ के जो है ना उनके जो है पास गए हैं, छुट्टी उनको लेना मंजूर है, लेकिन इंडिया की टीम जो है ना वो जब आई तो अपना प्यार लोगों ने इतना, क्योंकि वो प्यार बरसाया उन्होंने,
नशा ही जीत का ऐसा है कि उतर ही नहीं रहा, ऐसा नशा तो हर रोज मिलना चाहिए क्योंकि और चीजों का नशे तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये जो जीत का नशा है ना अम्मी, आए हाय सच में जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट हो ना तो बंदे को इतनी को खुशी होती है ना कि उसका मुकाम आप गिन ही नहीं सकते कि यार बंदे को कितनी खुशी हो रही है। मुझे तो खुद बहुत ज्यादा इंडिया की टीम के जीतने की बहुत ही ज्यादा खुशी है, और अगर वो मतलब हम वहां पे आते हम खुद उनका वेलकम करने के लिए जाते, लेकिन पाकिस्तानी टीम खैर उनका तो कोई हाल ही नहीं है, वो तो भाई पॉलिटिक्स होना भी चल रही है, लेकिन आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आपकी टीम जो है वो फाइनली इंडिया आ चुकी है और आप उनको अब देख सकते हैं और आप उनके साथ इस जश्न को सेलिब्रेट कीजिए। वो जिस होटल में गया वहां पे केक बड़े बड़े काटे जा रहे हैं उनके वेलकम के लिए, पता नहीं क्या क्या। तो बताया हमें, हाँ जी भाई दसो, फिर मिलते हैं। थैंक यू।